हेलो फ्रेंड, मैं हूं नरेंद्र गौड़। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा ए टू जेड। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए अच्छी वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ये वैकेंसी है दोस्तों, जो जिसमें लगभग 10,160 पद हैं दोस्तों, जिन पर ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें सैलरी 12,128 से 30,000 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी दोस्तों। और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 7/1/2019 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, हो सकता है दोस्तों ये वैकेंसी आपके काम की हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप ऐसे ही डेली रूटीन और अगर आप लेटर जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस करना है। उसके बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, तो आपको ये बेल दिखाई दे रही है दोस्तों, उसे जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट जॉब्स का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहली वैकेंसी के बारे में बताते हैं, तो किस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी निकली है, तो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, NHM डिपार्टमेंट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कितने किस किस डिपार्टमेंट में पद हैं। तो ANM के हैं, स्टाफ नर्स के हैं, लैब टेक्नीशियन के हैं, ऑपरेशन थिएटर के एवं अन्य पद भी हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों टोटल वैकेंसी हैं 10,160 पद है दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी हैं दोस्तों। अब बात करते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसियां हैं, तो जो ANM डिपार्टमेंट है उसमें दोस्तों 7,199 पद हैं, स्टाफ नर्स के 128 पद हैं दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के 286 पद हैं दोस्तों, स्टाफ नर्स चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट में 15 पद हैं दोस्तों, और ये भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, इनमें अलग अलग वैकेंसियाँ दी हुई हैं। सीनियर लैब टेक्नीशियन नेशनल प्रोग्राम के तहत एक वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन नेशनल प्रोग्राम के तहत 9 वैकेंसी हैं दोस्तों। लैब टेक्नीशियन डिवीजन लेवल नेशनल प्रोग्राम में 9 वैकेंसी हैं, GNM नॉन कम्युनिकेबल डिसीज 205 वैकेंसी हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आप सभी वैकेंसीज के बारे में देख सकते हैं। और दोस्तों इसका PDF भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप PDF डाउनलोड करके भी इन सभी वैकेंसीज के बारे में देख पाएंगे। ये सारी वैकेंसीज हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ANM अर्बन हेल्थ, नर्स मेंटर, स्टाफ नर्स, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं दोस्तों, इनमें अलग अलग डिपार्टमेंट में दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, काफी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन जो ANM की वैकेंसी है उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आपने ANM का डिप्लोमा कर रखा है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, जो इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की बात करें तो अगर स्टाफ नर्स के लिए आपने जनरल नर्सिंग GNM कर रखा है और बी या आपके पास BSc नर्सिंग है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटिव ट्रेड से, ऑपरेशन थिएटर जो रिलेटिव ट्रेड है उससे होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर, अगर आपके पास एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास 2 ईयर का मैक्सिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए मल्टी बेड हॉस्पिटल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब स्टाफ नर्स CH, इसके लिए भी अगर आपने GNM BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। सीनियर लैब टेक्नीशियन नेशनल प्रोग्राम का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए BSc अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, या BSc में अगर आपने DMLT कर रखा है, या रिलेटिव ट्रेड से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के लिए, तो लैब टेक्नीशियन के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम पास कर रखा है और साथ में आपके पास रिलेटिव ट्रेड से
कोई डिप्लोमा है लैब टेक्नीशियन का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं फॉर्म फीस कितनी है। तो अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फॉर्म फीस नहीं देनी है दोस्तों, ₹0 चार्ज है दोस्तों इसका। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट दोस्तों इसमें 18 से 40 ईयर है, और मैं आपको बता दूं इसमें जो SC ST OBC वालों को उनको छूट दी गई है। OBC को 3 ईयर की, तो वो अधिकतम 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST को 5 ईयर की छूट है, तो वो 45 ईयर तक अप्लाई आप कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं सैलरी डिटेल की। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें सैलरी 12,128 से 30,000 के बीच आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो दोस्तों आपका पहले रिटर्न एग्जाम होगा, और जो काफी सारी ऐसी वैकेंसी हैं इनमें इंटरव्यू होगा, और काफी सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिसमें केवल आपका एग्जाम ही होगा। अब बात करते हैं डेट की। तो डेट क्या है, तो दोस्तों ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 17/12/2019 से, और आप ये फॉर्म 7/1/2019 तक भर सकते हैं। अब भरने के लिए हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करें, तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों ये है upnrhm.government.in, या आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या क्वेश्चन है, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। और लेटेस्ट जॉब्स जो कमिंग सून जॉब्स आने वाली हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अब तक आपने इसे लाइक भी कर दिया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट जॉब्स की जानकारी के लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।